चुका है, 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या लग रहा है इस बार आम जनता जागरूक है, मतदान को लेकर निकल रही है भारी संख्या के साथ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 7 बजे से वोट स्टार्ट हो गई है, मतदाता प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और लोगों का कहना है कि इस बार शुरू से ही लोग जा रहे हैं और लोगों मत अपना प्रयोग कर रहे हैं, लोग जागरूक हो गए हैं और विकास पर ही वोट कर रहे हैं। चलिए ठीक है रिशु, आसिफ का मैं रुख करूंगी। आसिफ, मऊ महत्वपूर्ण सीट है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन मुद्दों को लेकर, देखिए मुख्तार अंसारी को लेकर डायरेक्ट तो नहीं कहा गया लेकिन इनडायरेक्ट वे में बीजेपी ने कहीं ना कहीं सपा को बहुत ज्यादा घेरा है, ये मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं और जो भी जनसभाएं हुई हैं ऐसे में कहा गया है कि जो भी बाहुबली थे, जो भी ऐसे भ्रष्टाचारी थे उन्हें बीजेपी ने इन 5 सालों में उखाड़ कर फेंका है, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं उनकी जगह जेल में है, बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आई है, मुख्तार अंसारी भी जेल में है, ऐसे में जो उनके कई समर्थक हमने मऊ में देखे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस बार परिवर्तन या फिर भाजपा का जो शासन रहा है इन 5 सालों में वो जनता को पसंद आया है मऊ में? जी हाँ, आपको बता दें कि मऊ जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं साइलेंट वोट देखने को मिल रहा है और मऊ सदर की अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो है लगातार जनता से ये अपील कर रहे हैं, वोट के लिए अपील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो जनता का जोश था वो उभर के सामने देखने को मिल रहा था। अगर हम देखिए मऊ में एक सीट नहीं बल्कि मऊ 2 सीट दिखे हैं, घोसी विधानसभा से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया, जबकि सुधाकर सिंह थे जो पूर्व विधायक थे, सुधाकर सिंह को टिकट के लिए सुधाकर सिंह ने लगातार जो है मांग की थी लेकिन उनको टिकट न दे करके दारा सिंह चौहान को देखने को मिला। हालांकि कुछ दिन पहले जो है अखिलेश यादव का मऊ में आगमन था, घोसी विधानसभा में आगमन था, तो वही कल एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि बताया जा रहा है उसी दिन का है, जो कुर्सी भी टूटी देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी दारा सिंह चौहान की वो लोगों में काफी देखने को मिल रही थी। घोसी और मऊ ये सबसे अहम सीट देखने को मिल रही है। तो नाराजगी प्रत्याशी से है या पार्टी से ही है आम जनता की? जी अगर हम बात करें कि जो सुधाकर सिंह है वो लगातार जमीनी स्तर के नेता हैं और लगातार लोगों के बीच में जाते रहे हैं, तो वो लोग कौन थे क्या था अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अब्बास ये दारा सिंह चौहान का लोगों ने, कुछ जनता ने भी विरोध किया और कुछ लोगों ने भी काफी जो है इसका विरोध करने को मिल रहा है। जी और बिल्कुल, इसके अलावा अगर घोसी विधानसभा की हम बात करें आसिफ, तो यहाँ पर भाजपा ने विजय राजभर को मैदान में उतारा है, वहीं अब्बास अंसारी जो है वो सुभाषपा के कैंडिडेट है, ऐसे में जो वोट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मऊ की हम बात करें तो मऊ में मुसलमानों का फैक्टर क्या कहता है? जी अगर हम बात करें कि मऊ की, तो मऊ सदर विधानसभा सीट में जो अल्पसंख्यक वोट है, जो मुस्लिमों का वोट है, तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि सब अब्बास पे ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले जो है इसके 2017 में जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी से थे, तो कहीं ना कहीं जो पूरा वोट था, जो मुस्लिम वोट था, वो अल्ताफ अंसारी पे चला गया था, तो मुख्तार अंसारी ये नहीं कह सकते कि मुख्तार अंसारी जो जीतते हैं वो मुस्लिम वोट से जीतते हैं, मुख्तार अंसारी जो जीतते हैं वो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट है उस वोट से जीतते हैं, ऐसा 2017 में देखने को मिला था। लेकिन अब की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जो है माधवेंद्र सिंह कांग्रेस से और बीजेपी से जो है अशोक सिंह, कहीं ना कहीं त्रिकोण लड़ाई भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और घोसी विधानसभा में प्रियंका यादव का वर्चस्व क्या कहता है? कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, महिला है, ऐसे में महिला फैक्टर कुछ है मऊ में या सिर्फ एक ये खाना पूर्ति की गई है कांग्रेस की तरफ से? आसिफ आवाज आ रही है मेरी? बता देंगे जो है प्रियंका, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, और प्रियंका यादव है, दारा सिंह चौहान है, और जो तीन प्रत्याशी देखने को मिल सकती है। जी इसके अलावा जो मऊदाबाद गोहना सीट है जहां पर पूनम सरोज मैदान में है भाजपा की तरफ से और सपा से राजेंद्र कुमार, दोनों ही हिंदू चेहरे, क्या यहाँ पर मुसलमानों का गुणा गणित कोई ज्यादा बैठता नहीं है?
जी अगर मोहम्मदाबाद गोहना की बात करें कि मोहम्मदाबाद गोहना भी जो है वहां पे भी त्रिकोणी लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी से जो है पूनम सरोज है और त्रिकोणी कहीं बसपा है और फिर कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी त्रिकोणी लड़ाई भी देखने को मिल सकती है जी। तो बसपा ज्यादा आगे है या कांग्रेस, कुछ ऐसी तस्वीरें आसिफ जी? अभी ये कहना मुश्किल होगा कि बसपा अभी ये कहना मुश्किल होगा कि बसपा है आगे या कांग्रेस है, क्योंकि अभी जो है लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। अभी ये कहना बिल्कुल मुश्किल होगा क्योंकि जो वोटर्स हैं वो साइलेंट वोट है और कौन किसको वोट कर रहा है ये तो अब जो है वोटिंग के बाद ही पता लग पाएगा जी। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिए, मैं रिशु का रुख करूंगी। रिशु, जौनपुर में भी तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर अलग ही फैक्टर देखने के लिए मिल रहा है। अगर बदलापुर की हम बात करें तो यहाँ पर रमेश चंद्र मिश्र को मैदान में उतारा गया है, ओम प्रकाश दुबे बाबा यहाँ सपा से हैं, यानी कहा जा सकता है दोनों ही ब्राह्मण चेहरे हैं। ऐसे में जौनपुर की बदलापुर सीट पर ब्राह्मणों का गुणागणित क्या कहता है? यहाँ पे लोगों का कहना है, ब्राह्मणों का कहना है कि हमें विकास चाहिए और इस बार जातिवाद पर वोट नहीं पड़ेगा, इस बार विकास पर वोट पड़ेगा। और लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और देखा जाए तो लोग सुबह से ही 7 बजे से मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर भीड़ ज्यादा दिख रहा है। और लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। ऋषु, प्रत्याशियों को लेकर आम जनता क्या कह रही है? प्रत्याशियों को लेकर देखिए मैम, यहाँ पर दुविधा बनी हुई है, सपा और बीजेपी पे टक्कर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रमेश चंद्र मिश्र और ओम प्रकाश दुबे को कौन ज्यादा पसंद कर रहा है, किसकी ज्यादा वर्चस्व दिखाई देता है, किसकी ज्यादा पकड़ अच्छी है जमीनी स्तर पर, जनता का, क्योंकि दोनों ही ब्राह्मण चेहरे हैं जी। बिल्कुल, आपको बता दूं लोगों का कहना है कि बीजेपी पार्टी का तरफ झुकाव ज्यादा है, फिलहाल उनकी जनता झुकाव ज्यादा बढ़ रहा है, फिलहाल सपा में भी टक्कर में है, फिलहाल ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि जनता किसको अपना चुनती है। रिंकू, देखिए आज आखिरी चरण है तो आज शाम तक कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स जो हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। गुणागणित लगाना, जो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक है जो राजनीति को बखूबी जानते हैं वो करना शुरू कर देंगे। ऐसे में आज का जो चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए 9 जिले हैं और 54 सीटें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसी सीटें जो संवेदनशील है, चाहे वो जौनपुर हो चाहे वो मऊ हो। यहाँ पर कहा जाता है कि बाहुबलियों की चलती है, जौनपुर में भी क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मलनी एक ऐसी विधानसभा है जहां पर दिलचस्प लड़ाई हो रही है। यहां पर एक है धनंजय सिंह जो जेडीयू से पार्टी से लड़ रहे हैं, तो वहीं सपा से लकी यादव भी उतरे हैं मैदान में। इन दोनों में भी टक्कर काफी ज्यादा देखने मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हमें तो जेडीयू पार्टी से धनंजय सिंह काफी ज्यादा पसंद है और कुछ लोग सपा पार्टी के भी झुक रहा है। तो फिलहाल देखने वाली दिलचस्प लड़ाई है यहाँ की कि जनता किसे चुनती है। बिल्कुल, और अगर हम जौनपुर की बात करें ऋषु, तो जितने भी यहाँ पर विधानसभा हैं, देखिए चाहे बदलापुर हो, शाहगंज हो, जौनपुर हो, मलहनी हो, मुंगरा बादशाहपुर हो, मछली शहर हो, मड़ियाहू हो, जफराबाद हो, केराकत हो, यहाँ पर बहुत ही गुणागणित करके जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, देखिए ब्राह्मण भी हैं और यहाँ पर सोनकर भी हैं, गौतम भी हैं, पासी भी हैं, तो ऐसे में समझ में आता है कि यहाँ पर लोग जाति के आधार पर बहुत ज्यादा बटे हुए थे और 2017 से पहले जाति के आधार पर ही यहाँ वोट पड़ता था, लेकिन इस बार विकास के नाम पर यहाँ वोट पड़ता हुआ नजर आया, यानी कि जनता समझ चुकी है कि जाति के आधार पर वोट पड़ने से उनका विकास नहीं हो सकता है, विकास के मुद्दों पर ही उन्हें वोट डालना होगा। रिंकू, बिल्कुल समझ